नमस्कार YouTube परिवार, मैं हूं प्रतिभा और आप हैं आपके अपने चैनल यूपी 32 जिंदगी जिंदाबाद में। तो वादे के अनुसार ले आई हूं आपको वृंदावन की आगे की यात्रा दिखाने के लिए। तो आइए, हाथ पकड़े रहिए और हाँ, चैनल मत चेंज कीजिएगा। आज भी बरसाना वाली राधा को अपनी बेटी और नंदगांव वाले कान्हा को अपना बेटा मानते हैं। 5000 से ज्यादा वर्ष बीत गए, परंतु उन लोगों के भावों में कोई फर्क नहीं आया। आपको आश्चर्य होगा, आज तक बरसाने की लड़की नंदगांव में ब्याही नहीं जाती, सिर्फ इसलिए कि नया रिश्ता जोड़ लिया तो पुराना भूल जाएंगे। हमारा राधा कृष्ण से प्रेम कम ना हो, इसलिए हम नया रिश्ता जोड़ेंगे ही नहीं। तो कथा किद्वंती तो बहुत सारी हैं, लेकिन सुन के और महसूस करके लगता है कि वो प्रेम अगाध रहा होगा। बातों बातों में रात बीती और सुबह हो गई। सब तैयार हैं जाने के लिए दर्शन करने हमारे बांके बिहारी जी के। बांके बिहारी यानी सांवरे हमारे, जिन्होंने हमें यहाँ पे बुला के खड़ा कर दिया है। और श्री राधा वल्लभ, निधि वन, बहुत सारी फेहरिस्त है जो लंबी सी कतार में खड़ी हुई है और हम सब एकदम तैयार हैं, पूरे जोश में हैं कि पूरे जोश के साथ निकलेंगे और दर्शन करेंगे और जितना हो सकेगा उसे कैप्चर करके आप लोगों के समक्ष भी रखेंगे। आप जानते हैं कि आज भी नंदगांव के घरों के बाहर ना कुछ स्त्रियां मटकी में माखन रखती हैं। कान्हा ब्रजभूमि में ही है और वेश बदल कर आएगा, माखन खाएगा, ऐसा उनका प्रेम है। ये प्रेम अद्भुत है, ये विश्वास अद्भुत है और भक्ति का ये भाव परम है। अपने मनोभाव की कहूं तो यदि आप राधा जी के प्रेम में वृंदावन आना चाहते हैं तो यहाँ आने का आदेश जो है ना, स्वर्ग के निमंत्रण से कम नहीं। अगर मेरी तरह आप विस्मय से भरे हुए हैं कि 5000 साल पहले क्या भाग्य लेकर जन्मे होंगे ये लोग जिन्होंने श्री कृष्ण के संग जीवन जिया, उन्हें हंसता गाता खेलता रास रचाते हुए साक्षात पाया। अभी हो चुकी है तैयारी और हम निकलने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। तो अभी जा रहे हैं हम लोग बांके बिहारी मंदिर। राघव कहाँ जा रहे हैं? बांके बिहारी। राधे राधे। राधे राधे। सामान पैक हो रहा है, गाड़ियों में रखा जा रहा है और बिल्कुल भी देरी किए बगैर मैं दर्शन करवाती हूँ। वैसे मुझे लगता है अंदर तो अलाउ नहीं होगी फिल्मिंग, लेकिन जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक बने रहिए और फोटो तो क्लिक करके जरूर आप लोगों के लिए पेश करेंगे। राधे राधे। देखिए, भक्ति जो है ना वो भावना का विषय है। भावना तो पत्थर को भी भगवान कहती है। मानो तो शंकर, नहीं तो कंकर। आज भी जहाँ 10 से 12 बच्चे खेल रहे हैं, उनमें से कान्हा जरूर है। ब्रजभूमि के दर्शन करने हैं तो भावना के साथ जाइए, वरना जाना बेकार है। आज भी बरसाने का वृद्ध नंदगांव आएगा तो प्यास से चाहे तड़प ले, किंतु पानी नहीं पिएगा नंदगांव का, क्योंकि उनके बरसाने की राधा का ससुराल नंदगांव है और बेटी के घर का पानी भी नहीं पिया जाता। इतने प्राचीन संबंध को आज भी धर्म मान के निभाने वाले धन्य हैं वे लोग और धन्य है ब्रजभूमि का कण कण। करोड़ों बार प्रणाम मेरे प्रियतम प्रभु की जन्मभूमि, लीला भूमि और प्रेम भूमि को। तो एक बार प्यार से बोलिए राधे राधे। मैंने बांके बिहारी के समक्ष अरदास बहुत समय से रखी थी, फिर विलंब पे विलंब अब अर्जी जा पहुंची वृंदावन विहारिणी ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री श्री राधा जी के दरबार में। तब तो अर्जी स्वीकार होनी ही थी और दर्शन मिलना तय था। तो प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी की जय, वृंदावन धाम की जय। वृंदावन की कुंज गलियों में घूमते घूमते यह एहसास हुआ कि यहाँ पर एक और जीव है जो अपनी विशेष स्थान रखता है और वो है यहाँ के बंदर। तो कह रहे हैं यहाँ पे लोग हमें, जिनसे बातचीत हुई और कई ऐसा एक हादसा भी हुआ साथ में, उसके बारे में भी आप लोगों से चर्चा जरूर करूंगी। हिमांशु का चश्मा ले गए वानर। अब हमने उनको फ्रूटी दिया, सब कुछ दिया, लेकिन उसने जो चश्मा हमें लौटाया है वो एकदम तहस नहस करके लौटाया है। तो वहां के लोग जो लोकल में रहते हैं और वो बोलते हैं कि आतंकवादी और वृंदावन के बंदर एकदम सेम। कई लोगों को देखा हमने जूझते हुए, अपना सामान वापस मांगते हुए, उनको फ्रूटी पे फ्रूटी की घूस देते हुए, लेकिन ना जी ना, बानर तो बानर है, एकदम उद्दंड कतई।
उन्हें जो सामान जैसा लौटाना होता है वो वैसे ही लौटाते हैं और कई बार उसे तोड़ देते हैं। अगर आप वृंदावन जा रहे हैं तो अपने सामान का, स्पेशली अपने चश्मे और मोबाइल का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। मुझे भी बहुत बार टोका गया, डांट पड़ी कि अभी बंदर ले जाएगा ना तब बन जाएगी तुम्हारी व्लॉगिंग, हो जाएगा तुम्हारा व्लॉग पूरा। लेकिन फिर भी दिल के हाथों मजबूर थी और सोचा कि कुछ ना कुछ तो शूट जरूर करूं ताकि आप लोगों के सामने कुछ रख सकूं और वृंदावन की यादें हमेशा मेरे पास सहज रूप से मेरे मन में विराजमान रहेंगी। मेरा वृंदावन जाना जन्माष्टमी के आसपास हुआ, तो जाहिर सी बात है कि भीड़ मिलना तो तय था। लोग दूर दूर से कान्हा जी के दर्शन करने के लिए आते हैं। मैं कहती हूँ कि हम एक बहुत बड़े प्रजातंत्र का हिस्सा हैं, तो जाहिर सी बात है हम व्यवस्था की भी उम्मीद करते हैं। मुझे वहां व्यवस्था का बहुत ज्यादा अभाव मिला। जिस बात ने मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ दी वो थी वीआईपी दर्शन। मेरा प्रश्न है कि भगवान के दरबार में भगवान से बड़ा वीआईपी कौन है? मैं इस बारे में बात ही नहीं कर रही हूं कि कौन सक्षम है वो पैसे देकर के वीआईपी दर्शन की लाइन में लग सकता है और कौन सक्षम नहीं है जो पैसे नहीं देकर के आम तरीके से दर्शन करता है। भगवान के दरबार में सभी के दर्शन समान होने चाहिए। अगर आपके पास पैसे हैं तो भी, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो भी, वीआईपी दर्शन का तो कोई सेंस ही नहीं है ना। मुझे तो लगा कि ये अनावश्यक रूप से केवल क्रॉस इधर क्रिएट किया जाता है आम भीड़ के लिए और उधर वीआईपी दर्शन की एक लंबी लाइन बनवा दी जाती है। तो मुझे ये बहुत तकलीफ दे लगा, क्योंकि श्री कृष्ण की जन्मभूमि है, हम सौभाग्यशाली हैं कि हम भारत में रहते हैं और ये भारत का हिस्सा है। आपको वहां पर एक उचित व्यवस्था करनी चाहिए। हम अपने टैक्स पे करते हैं, हम सारी चीजें करते हैं, हम अपने नियम कानून सब निभाते हैं, लेकिन जहां पर बात आ रही है दर्शनों की, वहां आपने वीआईपी लाइन बनवा दी है। तो ये मुझे बहुत ही तकलीफ दे लगा और अभी भी ये बात मेरे दिमाग में बहुत खटक रही है। ये निधि वन का फिल्मिंग मैं आपको दिखा रही हूं। मैं निधि वन में इस समय खड़ी हुई हूं। भीड़ आप देख सकते हैं, लाइन की कोई व्यवस्था नहीं है। महिला पुरुष सब एक दूसरे के ऊपर चढ़े जा रहे हैं। धक्का मुक्की इतनी ज्यादा कि बड़ी तकलीफ हुई है देख करके। इन सब के बीच में भावना प्रबल थी तो हम लोगों ने वहां पर रंगमंच में रास महल के सामने डांस भी किया, श्री कृष्ण को याद भी किया। लेकिन ये वीआईपी दर्शन ना मुझे बड़ा खल गया। मैंने आम तरीके से, आम लोगों के बीच में खड़े होकर, जो मैं हूं प्रभु के सामने, मैंने उस तरीके से दर्शन किया। और आप लोगों से भी मैं ये गुजारिश करती हूं कि अगर आप कभी वृंदावन जाएं तो ये वीआईपी वाले दर्शनों को ना प्रोत्साहन ना दें। खैर, ये तो रही एक मुद्दे की बात जो मुझे लगा और मैंने आपके सामने रखा। आप अपने कॉमेंट जरूर कीजिएगा मुझे इस पे। दो दिनों का बड़ा खूबसूरत सफर और आंखों आंखों में कट गया। सच कहूँ तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थीं जो मन में रह गईं, बहुत सारे ऐसे काम थे जो करने थे नहीं कर पाए, समय का अभाव और शायद मैनेजमेंट की कमी। और दूसरों को उंगली उठाने से पहले खुद के भी मैनेजमेंट पे सवाल करती हूँ कि शायद अगली बार अपने मैनेजमेंट में ज़रूर सुधार करते हुए बहुत सारी चीज़ें और जोड़ूंगी किसी और यात्रा में। आप लोगों के कमेंट का इंतजार रहेगा। मुझे जरूर बताइएगा कि मेरे ये व्लॉग की प्रस्तुति से आप 1% ही सही वृंदावन पहुंचे या नहीं, या आपके मन में वो इच्छा जागी या नहीं। और अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बहुत जल्दी किसी और व्लॉग में कुछ और नया लेकर के आपकी सेवा में हाजिर हो जाऊंगी मैं प्रतिभा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मन में भक्ति के लिए एक जगह जरूर बनाइए। अपने आप को ईश्वर से जोड़ने का कोई उचित समय नहीं होता, बस एक जुड़ाव होता है। तो बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ मैं प्रतिभा साइनिंग ऑफ। धुन में